अगर मेरा विश्वास होगा कि भैया मैं एक ब्लॉक लेवल पे तो उतनी लड़ाई लड़ूंगा, मेरा विश्वास है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक की लड़ाई लड़ूंगा, उसकी मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास है अगर मैं स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल की लड़ाई लड़ूंगा। साहब खेल विश्वास का है, आदमी तब मेहनत करता है जब उसका विश्वास बड़ा होता है। तो आदमी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना साहब, और अगर उसको एग्जाम निकालने का विश्वास नहीं है वो 18 घंटे नहीं पढ़ेगा। 18 घंटे वो लड़का पढ़ेगा जिसको एग्जाम निकालने का विश्वास है, जिसको विश्वास में कॉम्पिटिशन निकाल दूंगा। जान वो लोग लगाते हैं लड़ाई में जिनको जीतने का विश्वास हो। आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि एक दिन करोड़ों रुपए मेरे पास आएंगे, एक दिन मेरे सपने को, तो आप काम ही नहीं करें, कोई काम नहीं करा सकता आपसे। आदमी अपने विश्वास से बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी लड़ाई, और जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई, ये ठीक है। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई होगी। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे बोल के नहीं गए, सपना वो नहीं होता जो सोते हुए आता है, सपना वो होता है जो सोने नहीं रहा है। जैसे सपना होगा उसे थोड़ी नींद आएगी साहब, आपको तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर रात लड़ता है उससे सोने के लिए। देखिए दो ही चीज़ें, या तो आप एकदम वैसे रहिए, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, या तो ये वाला आदमी रहिए कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक ही जीवन है, खुशी खुशी जीवन, तो मर भी जाओ पूछे करो घंटा रोजी। लोग यहाँ इतने मरते हैं जी, थोड़े कल अखबार निकलेगा उसमें खबर आएगी, थोड़े देश रुक जाएगा, लेकिन कुछ लोग बजाय तो देश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। अभी तो लोग होते हैं देश में जिनकी मौत की खबर आया तो बाजार नीचे आ जाएगा। जिंदगी का मतलब साहब, आप मरे तो कम से कम 2-4 लाख लोग रोए कि अच्छा अभी चला गया भाई, क्या अभी चला गया, ये चला गया, पता चला आप मरे तो 2-4 लोग रो रहे जिसका कर्जा आप नहीं चुका पाए।